रविवार की देर रात्रि को कोसीकला के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर पशुपति फैक्ट्री के सामने उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब हैदराबाद से आ रहे और दिल्ली की तरफ जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ये ट्रक हैदराबाद से पेपर रोल का मटेरियल लेकर दिल्ली जा रहा था, तभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पशुपति फैक्ट्री के समीप ट्रक परिचालक को गाड़ी से कुछ जलने का आभास हुआ तो उसने गाड़ी साइड से ट्रक को रोककर ट्रक की वायरिंग एवं अन्य उपकरणों को चेक करने लगा। तभी वायरिंग शॉर्ट होने के कारण अचानक ट्रक के अगले हिस्से में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जहां पर फायर ब्रिगेड ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर जाकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक का अगला हिस्सा जलकर राख हो गया था और वहीं परिचालक चालक दोनों ही सुरक्षित रहे। इस संबंध में जब ट्रक परिचालक से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि हैदराबाद से पेपर रोल का मटेरियल लेकर दिल्ली जा रहे थे, लेकिन वायरिंग शॉर्ट होने के कारण ट्रक के अगले हिस्से में आग लग गई, जिससे ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। कहाँ से आ रहे हो? हैदराबाद से। तो क्या घटना घट गई है जी? क्या घटना घटी है? इसमें जी वायरिंग में शॉर्टिंग हुई है। फिर वायरिंग शॉर्ट मीटर से आग लगी है, धुआं उठाए जैसे, फिर मैं गया कटआउट काटन लूँ, कटआउट नहीं मिला इसका, फिर मैं इसका बैटरी खूंटा उपाड़ रहा, बैटरी खूंटा नहीं उपड़ा सर मेरे से, इसमें इतने मीटर में आग लग के नहीं डिग फूटन लगी, मैं उतर कर दी फिर इसमें से। तो कोई हताहत हुई किसी को है जी? कोई नुकसान हुआ है किसी को? हताहत हुई है? नुकसान क्या जी, पूरी गाड़ी का माल वाल किया, फिर पता हो जी पूरा। तो कितना माल था इसमें? 18 टन है जी। 18 टन? हाँ जी। कहाँ ले जा रहे थे? दिल्ली। दिल्ली ले जा रहे हो? हाँ जी। कितने लोग थे तुम? दो लोग हैं। दो लोगों? हाँ जी।